हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है चिकन मेस। ब्लास्टिंग करने से पहले जो हम चिकन मेस का यूज़ करते हैं, चिकन मेस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, फ्यूचर में इसका क्या बेनिफिट रहता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं कि चिकन मेस है क्या। सबसे ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये हमारी नेट टाइप का, ये हमारा चिकन मेस, जिसको हिंदी में मुर्गा जाली भी बोलते हैं। ये फाइबर की भी आती है और जीआई की भी आती है। इस टाइम आप जो सामने देख रहे हैं ये फाइबर की है, और जीआई की भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका अच्छा रहे। तो इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है कि ये जो हमारा आप देख रहे हैं, ये हमारा कॉन्क्रीट और ये मशीनरी ब्रिक वर्क है ये। तो ये जो है बोथ आर डिफरेंट मटेरियल्स। ये हमारा कॉन्क्रीट है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिफरेंट होता है, और ये हमारा मशीनरी है, ब्रिक वर्क है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग होता है। तो दोनों का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इससे क्या होता है, एक्सपेंशन कभी भी जो हमारे वेदर के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेंशन होता है, कुछ भी एमएम होता है, तो उस एक्सपेंशन क्या होता है, प्लास्टर जब इसके ऊपर कर देते हैं दोनों जंक्शन के बीच में, जैसे कि ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा कॉलम है, ये कॉन्क्रीट है, और ये हमारा मशीनरी है जो कि ब्रेक वर्क है। तो इन दोनों के जंक्शन के बीच में एक्सपेंशन होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा प्लास्टर में क्रैक आ जाएगा। तो वो क्रैक हमारा पूरे जहाँ जहाँ जंक्शन होगा वहाँ वहाँ में क्रैक दिखने लगेगा, तो वो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये हम पूरा चिकन मेस जहाँ जहाँ जंक्शन होता है, ये हमारा कॉलम का है और ये हमारा ब्रिक वर्क है, ऊपर हमारा बीम है और ब्रिक वर्क है, तो ये जहाँ जहाँ जंक्शन होता है उस जंक्शन के बीच में हम पूरा ये चिकन मेस को ऐसे लगा देते हैं। इसका लगाने का तरीका जो होता है, देखिए आप देख रहे हैं, ये ऐसे सीमेंट का पेस्ट लेते हैं और उसको हम कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको हम इसको ऐसे पेस्ट करके चिपका देते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा अच्छे से चिपका देते हैं कि प्लास्टर के करने के टाइम ये निकले मत। आपको अच्छे से दिखा दे देते हैं कैसे पेस्ट करा गया है, ये देखिए इसको बिल्कुल ऐसे स्टिक कर देते हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाया था खाली माल पच्चर पे, वो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया था यूज़ कराया था, वो देखिए पीछे दिख रहा है, उसका यूज़ भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चिकन मेस का ये यूज़ होता है हमारे फ्यूचर में क्रैक को अवॉइड करने के लिए, जो हमारे जंक्शन होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूज़ कराया जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है मटेरियल का, ये हमारा कंक्रीट है और ये हमारा मशीनरी है, तो बोथ आर डिफरेंट मटेरियल, तो इनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी जो होता है वो अलग होगा। तो अलग होगा तो उससे क्या होगा, इनका एक्सपेंशन होगा फेदर में थोड़ा, तो उससे क्या होगा, हमारा क्रैक्स आ जाएगा प्लास्टर में। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको और जगह भी दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ का चिकन मेस लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी अभी प्लास्टर होने वाला है, और ये आप जो देख रहे हैं ये जो है बुल मार्क, इस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो उसको नहीं देखा है, क्या यूज़ है उसका, क्यों करते हैं प्लास्टर करने से पहले, तो आप वो देख सकते हैं वो मेरी वीडियो जाके। ये देखिए इसको बोलते हैं बुल मार्क। नीचे भी करा गया है, प्लास्टर करने से पहले इसको भी करते हैं, चिकन मेस लगाते हैं। ये चिकन मेस यहाँ भी वैसे ही तरह से लगाया गया है, यहाँ भी कॉलम है और मशीनरी है, ऊपर बीम है, उसके जंक्शन के बीच में लगाया गया है। चिकन मेस का यूज़ ही होता है। तो एज अ साइड इंजीनियर आपको ये सब अच्छे से देखना है, अच्छे से करवाना है, और इसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी देखना है कि 100 mm विड्थ का होता है, ये जंक्शन में अच्छे से पेस्ट होना चाहिए इसको, और ये जो आप पेस्ट देख रहे हैं ये ज़्यादा पेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा हल्का हल्का पेस्ट लगाते हैं इसको। ऐसे बहुत से लोग मैसन क्या करते हैं, लेबर क्या करते हैं, इसको बहुत ऐसे खूब ज़्यादा लगा देते हैं, वो अच्छा तरीका नहीं है। तो आप इसको हल्का हल्का पेस्ट ऐसे करके लगाते हैं, जिस तरह से ये देख रहे हैं पेस्ट लगा हुआ है, ये अभी सही है। तो इस तरह से आपको कराना है अपनी साइड पर भी, और ये बुल मार्क मैंने बता दिया है, वीडियो देख सकते हैं आप वहाँ से।